तो बस कल मैं दिल्ली गई थी और ये लंबे बाल मैंने दिल्ली में लगवाए हैं आदिल के लिए। आदिल ने वादा किया था वो दिल्ली में आएंगे, मुझसे मिलेंगे और मैंने उनके लिए सूट पहना था सरप्राइजली। और ये जो नकली बाल है अंदर से इतना दर्द हो रहा है, खोपड़ा दुखिया है और इतना दर्द हो रहा है, लेकिन वो कल आए नहीं तो मैं बहुत सैड हो गई थी, बहुत सैड हो गई थी मैं। और जब उन्हें पता चला कि मैं बहुत सैड हूँ, न्यूज़ में देखा मीडिया वालों तुम्हारे चरण कहाँ हैं मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ बन रही है, तो फिर आदिल को सैड हुआ और अभी भाग के आ रहा है आज आने वाले। काफी खुशी देख। वैसे मैं इतना मैसेज करूंगी तो कभी नहीं आएगा। मीडिया ने इतना दिखा दिया कि मैं सैड हूँ, धरती फट जाए मैं गिर जाऊँ तो वो रोने लग गया। और उसने कहा कि नहीं तुम ही मेरी हीर हो, तुम ही मेरी मांझा हो तकदीर हो, प्यार हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे आज मिलने। किस तरह की तैयारी आपने की है? कुछ तो तैयारी मिलकर मिलने के लिए किस तरह की तैयारी करूँ? तो तैयारी स्पेशल बहुत तैयारी हो मेरे दिल में, मैं नहीं बता सकती। और मैं एकदम बहुत ज्यादा खुश हूँ, एकदम यू नो क्या बोलूँ मैं, अंदर से वो निकल रहा है, फूल लेना समा रही हूँ। हाँ फूल लेना समा रही हूँ, फूल तो गई हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मेरा फूल पहन के आई हो तुम? मैं इतने फूल पहन के आई हूँ और मतलब इतनी फूल रही हूँ उनके प्यार में, क्या बताऊँ। और ये हेयर के पीछे कुछ तो रीजन रहेगा, आपने कराया दिल्ली? ये मैंने दिल्ली में जाके बाल करवाए, मेरे छोटे बाल है, इतना दुख रहा है अंदर ना सर पूरा, मैंने करवाया बिकॉज आदिल मुझे कहते हैं ही लव्स नेक्स्ट डोर गर्ल, जिसके लंबे बाल हो, जिसके सलवार कमीज हो, जो हर बात में ऐसे ऐसे बार बार ऐसे नजरें झुकाती हो और हवा में जिसकी बाल उड़े। अब मेरी नजरें झुकाना, मेरी तो नजरें हमेशा उठती है, मैं एकदम ऑपोजिट हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आदिल की तरह उनको उनके दिल की तरह, बिकॉज इज माई हार्ट, तो मैं भाई कोशिश कर रही हूँ कि उनकी तरह डोर नेक्स्ट गर्ल बनूं, परफेक्ट गर्ल बनूं। और वो भी चुना किसको है? राकेश सावंत को, जो शर्म का एज भी नहीं मुझे मालूम है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। वो आज आ रहे हैं, काफी अच्छे। एयरपोर्ट आ रहे हो क्या तुम लोग? हम लोग हाँ, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। राखी जी, हाल ही में करीना कपूर खान ने कहा कि जो थर्ड बेबी का उनके पास रूमर्स फैल रहे थे, रूमर्स को डिनाई किया। अब किस तरह से देखते हो, काफी रूमर्स फैलते प्रेगनेंसी के रूमर्स से उनके थर्ड बेबी का, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? माय गॉड, भाई लोग वो लोग मजे करे, वो लोग थर्ड बेबी पैदा करे, चार पांच बेबी पैदा करे, आप मुझसे क्यों पूछते हो? ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे इस तरह के रूमर्स फैलाने कितना गलत है? ऑडियंस को मैं कुछ नहीं कहूंगी, ऑडियंस एंटरटेन होती है, डजंट मैटर न्यूज चाहे कोई भी हो। ऑडियंस मुझे भी कहती है यार ये क्यों बोलती, वो क्यों बोलती, क्यों ना बोलू? बराबर, क्यों ना बोलू? मीडिया मुझे शूट करती है तो मैं क्यों ना बोलू? और मैं एंटरटेनर हूँ, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो तुम लोग का टाइम पास कैसे होगा? तुम लोग को एंटरटेन कौन करेगा भाई? और दूसरे तो ऐसे छुपा छुपा के भाग जाते सारे सेलिब्रिटी, मैं एक हूँ जो बोलती हूँ मीडिया में। एक मेरी उर्फी फ्रेंड है जो पूरा एकदम उलाला दिखा देती है, ओ पूरा उलाला आ गया क्या, देख लिया? अच्छा, ओ माय गॉड, वो उलाला दिखाती है और मेरा बोलना ही काफी है, तो उसका बॉडी का हॉटनेस और मेरा बोलने का हॉटनेस। पर फैमिली प्लानिंग में बिलीव करती हूं, हम दो हमारे दोस्त, ये बोलना चाहती हूं मैं तो खुद फैमिली प्लानिंग करना चाहती हूँ, बस आदिल मान जाए। कब तक, लाइक आपको क्या लगता है मानेगी नहीं मानेगी? कौन? आदिल क्यों नहीं मानेगा? प्यार करता है मुझसे, डेफिनेटली मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? देखो हर किसी का प्रॉब्लम्स होता है, आप समझ रहे हो ना? बराबर। आप सब देखो, मैं अकेले हूँ मुंबई में, मेरे पेरेंट्स रेडी है, उसके पेरेंट्स रेडी नहीं है, और उसको सब भड़काते, उसका ब्रेन वॉश करते हैं, डोंट मैरी राखी, वाई नॉट? क्या मुझे क्या, मुझे में क्या कोई कांटे लगे हैं क्या? मुझ में तो सिर्फ फूल ही फूल लगे हैं, देखो क्या फूल है, बड़े लवली फ्लावर आया है, खुशबूदार। वही देखो ना, मेरा रिश्ता तुड़वाते हैं सब, और पब्लिक को बोलो मेरा रिश्ता जुड़वाए जल्दी से। और बिग बॉस में आप जाओगे इस बार? जा रहे हो इस बार, जिस तरह लास्ट ईयर आपको देखा था, इस बार भी बिग बॉस और बगैर राखी और आदिल के हो सकता है क्या? बिग बॉस राखी जी और सलमान जी, भाई जीजा और राखी, क्या कॉम्बिनेशन है? शादी भी इस बार बिग बॉस के अंदर ही हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इस बार बिग बॉस के अंदर, मेरा निकाह हो जाए आदिल के साथ। ओके, बिग बॉस आप कराओगे निकाह मेरा? बिग बॉस में आई वांट माय मैरिज शुड बी देयर, और ऐसे मेरे
दुपट्टे की डोर बांधना कि आदिल कभी जिंदगी में अगले 7 जन्म तक तोड़ ना पाए। और कन्यादान अगर सलमान भाई करे तो काफी अमेजिंग हो जाएगा। एक मेरा राजीव भाई और एक मेरा सलमान भाई, काफी अमेजिंग हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ सलमान भाई, आप तो शादी नहीं करे हो, वो लड्डू नहीं चखे हो, मुझे तो चखा दो लड्डू, मेरा कन्यादान कर दो बिग बॉस के अंदर। आई वांट कि आप पगड़ी बांध के आए पिंक कलर की और आप मेरा जो निकाह है वो आदिल के साथ करवा दे बिग बॉस में। सलमान भाई कर दो ना प्लीज। थैंक यू राखी जी, थैंक यू। चलो, अरे मेरा फोन छोड़ी बोलो चलो। आवाज क्या? आवाज तो मैं सुनूंगी।